तो दोस्तों फाइनली हो गया बीजीएमआई अनबैन। जी हाँ, बीजीएमआई ने ऑफिशियली पोस्ट करके बताया कि बीजीएमआई वापस आ रही है। बीजीएमआई की जो ऑफिशियल्स है उन्होंने अनाउंस करके बताया कि बीजीएमआई अनबैन हो गई है 3 मंथ के लिए। और बीजीएमआई ने गवर्नमेंट का भी शुक्रिया किया कि वो 3 मंथ के लिए बीजीएमआई को ट्रायल पीरियड के लिए अनबैन कर रहे हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट किया कि बीजीएमआई वापस आ रही है। बेसिकली 9 मंथ पहले बीजीएमआई बैन हुई थी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन एंड डेटा प्राइवेसी। बीजीएमआई भी काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि वो हमारा इंडियन डेटा बाहर चाइनीज सर्वर्स में भेज रहा है और काफी लोग इस गेम के एडिक्ट हो रहे थे और काफी सारे सुसाइड केसेस आ रहे थे जिस वजह से इसको गवर्नमेंट ने 9 मंथ पहले बैन किया था। लेकिन अब ये फिर से अनबैन हो गई है। राजीव चंद्रशेखर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर पे ऑफिशियली ट्वीट करके बताया कि हम बीजीएमआई को 3 मंथ के लिए अनबैन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल 3 मंथ के लिए ट्रायल पीरियड में बीजीएमआई अनबैन हुई है। गवर्नमेंट ने इसको ट्रायल पीरियड में 3 मंथ के लिए अनबैन किया है और इन 3 मंथ के बीच गवर्नमेंट इस गेम पे पूरी नजर रखेगी कि कोई रूल की वायलेशन तो नहीं हो रही है या फिर कोई डेटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी रीजन का कोई इशू तो नहीं आ रहा है। और इन 3 मंथ के बीच अगर गवर्नमेंट को सब कुछ सही लगा, कोई इशू नहीं आया गेम से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट अपना फाइनल फैसला बताएगी कि बीजीएमआई फाइनली अनबैन होगी कि नहीं। और दोस्तों, आप बीजीएमआई वापस आ रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्मॉल चेंजेस गेम में होंगे, जैसे कि आप वायलेशन से रिलेटेड जो भी सिंबल्स थे वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेंगे गेम में और ब्लड्स वगैरह भी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा गेम में। और जो एक बड़ा चेंज आया गेम में वो आया आपको गेम से रिलेटेड। अब आप कंटिन्यूसली बीजीएमआई नहीं खेल पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली बीजीएमआई खेलते हैं तो आपको उसमें 1 आवर्स का ब्रेक लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और ये बीजीएमआई ऑफिशियली लॉन्च करेगा इस 3 मंथ के ट्रायल पीरियड में। तो दोस्तों, अगर आप फिलहाल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे बीजीएमआई तो आपको ये नहीं शो होगी अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अभी ही अनबैन किया, तो इसको फिर से प्ले स्टोर पे लिस्टेड होने के लिए 5-6 दिन का टाइम लगेगा। तो लिस्टेड होने के बाद इजीली आप बीजीएमआई को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने फोन में खेल सकते हैं। और अब जो प्लेयर्स का सारा डेटा है वो इंडियन सर्वर में ही रहेगा, तो आई होप इस गेम में कोई इशू ना आए और ना ही कोई रूल का वॉयलेशन हो। आई होप आप बीजीएमआई में कोई इशू नहीं आए और ये पूरी तरह से अनबैन हो जाए। तो कैसे लगी ये न्यूज सुनकर आपको कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।